आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष कार्तिक मास माहात्म्य का 10वां अध्याय प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्णा। राजा पृथु बोले, हे महर्षि नारद, आपको मेरा प्रणाम है। कृपया करके यह बताएं, जब भगवान शंकर ने अपने मस्तक के तेज को क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय क्या हुआ? नारद जी बोले, हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपने मस्तक का तेज क्षीर सागर में डाला तो उस समय वह तेज शीघ्र ही बालक बनकर सागर के संगम पर बैठ गया और संसार को भयभीत करने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से संपूर्ण जगत व्याकुल हो गया, लोकपाल भी व्याकुल हो गए। यह देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। उन सभी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, यह तो बहुत ही विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। हे महायोगी, इसे नष्ट कीजिए। देवताओं के मुख से इस प्रकार सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर उस बालक को देखने गए। सागर ने ब्रह्मा जी को आते हुए देखकर उन्हें प्रणाम किया और बालक को उठाकर ब्रह्मा जी की गोद में दिया। ब्रह्मा जी ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, हे सागर, यह बालक किसका है? शीघ्रतापूर्वक कहो। ब्रह्मा जी की बात सुनकर सागर विनम्रता पूर्वक बोला, हे प्रभु, मुझे यह नहीं पता कि यह किसका बालक है, परंतु मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि यह बालक गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। इसलिए हे जगत गुरु, आप इस बालक का जात कर्म आदि संस्कार कीजिए और इसका जातक फल बताइए। नारद जी राजा पृथु से बोले, सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो सागर ने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा कि उससे पीड़ित होकर ब्रह्मा जी की आंखों से अश्रु टपकने लगे। ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों का जोर लगाकर किसी प्रकार सागर से अपना गला छुड़वाया और कहा, हे सागर, सुनो, मैं तुम्हारे इस पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से जो यह जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। उत्पन्न होते ही यह तरुणावस्था को प्राप्त हो गया है, इसलिए यह सब शास्त्रों का पारगामी, महापराक्रमी, महावीर, बलशाली, महायोद्धा और युद्ध में विजय प्राप्त करने वाला होगा। यह बालक सभी दैत्यों का अधिपति होगा। यह किसी से भी पराजित ना होने वाला तथा भगवान श्री हरि विष्णु जी को भी जीतने वाला होगा। भगवान शंकर को छोड़कर यह सबसे अवध्य होगा। जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, यह वहीं जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी ही पतिव्रता, सौभाग्यशालिनी, सर्वांग सुंदरी, परम मनोहर, मधुर वाणी बोलने वाली तथा शीलवती होगी। सागर से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को बुलाया और उनके हाथों से बालक का राज्याभिषेक करवाकर स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। बालक को देखकर सागर की प्रसन्नता की सीमा ना रही। वह हर्षित होकर बालक को घर ले आया। फिर सागर ने
उस बालक का लालन पोषण बड़े ही प्रेम से किया और कालनेमी नामक असुर को बुलाकर वृंदा नामक कन्या से विधि विधान से उसका विवाह करवाया। उस विवाह में बहुत बड़ा उत्सव हुआ। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के प्रभाव से पत्नी सहित जलंधर दैत्यों का राजा बन गया। इस प्रकार कार्तिक मास के महात्म्य का नवे दिन का पाठ पूर्ण हुआ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। यदि आपको कार्तिक मास महात्म्य का नवे दिन का पाठ पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय दामोदर भगवान, जय माता दी लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।